शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए मैं प्रियंका, प्रियंका सलोमी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का वचन अध्ययन है नीति वचन, उसका 11 अध्याय। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन का पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। अध्याय 11 वचन 1 में लिखा है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगवाई पाती हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है और अधर्मी की आशा व्यर्थ होती है। धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। जब धर्मियों का कल्याण होता है तब नगर के लोग प्रसन्न होते हैं, परंतु जब दुष्ट नष्ट होते तब जय जयकार होता है। सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से खड़ा करता वह निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वह थुथुन में सोने का नथ पहने हुए सुअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देती हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देती हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरे की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता
उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान लोग और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। अध्याय 12। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु शरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती हैं, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती हैं, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। अध्याय 13।
बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी लोग हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से पैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। कोई तो धन बटोरता परंतु उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन उड़ा देता तो भी उसके पास बहुत रहता है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वास खातियों का मार्ग कड़ा होता है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्ता फैलाता है। दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। निर्बल लोगों को खेती बारी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। अध्याय 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग
अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाती हैं। जहां बैल नहीं वहां गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साथी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्ता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है, और परदेसी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है, और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझकर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध करे वह मूर्ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग पैर रखते हैं। भोलों का भाग मूर्ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूर्ता निरी मूर्ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वालों का को दृढ़ भरोसा होता है, और उसके पुत्रों का शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाती हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है,
परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतःकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा का काम करता उस पर वह रोष करता है। अध्याय 15। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्ता उबल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बातों से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख भरी पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्ता से पेट भरते हैं। दुखियारी के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में सागपात का भोजन बैर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्ता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा
अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती हैं, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। परंतु जो डांट को सुनता, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, और महिमा से पहले नम्रता आती है। अध्याय 16। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा का भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थाली में जितने बटखरे हैं, सब उसी के बनवाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है, उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता, वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है।
जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको भारती रहती है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है और ओठ दबाने वाला बुराई करता है। पके बाल शुभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। चिट्ठी डाली तो जाती है, चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। अध्याय 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढाप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़ की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतनी 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई
दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ। बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता, वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है। और जो अपने फाटक को बड़ा करता, वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है, उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है, वह उससे दुख ही पाता है, और मूर्ख के पिता को आनंद नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझ वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती हैं। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। फिर धर्मी से जुर्मालयन लेना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है, वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती, वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है, तब बुद्धिमान गिना जाता है। और जो अपना मुंह बंद रखता, वह समझ वाला गिना जाता है। अध्याय 18। जो दूसरों से अलग हो जाता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहां दुष्टता आती, वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है, वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उससे भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़वाला नगर और ऊंचे पर बने हुए शहर बना है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है, वह मूर्ख
ठहरता और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उस बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। अध्याय 19। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह छूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय ही उसके मित्र उससे दूर हो जाए। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता उसका कल्याण होता है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। आलस से भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी
ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजारता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। अध्याय 20। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है। जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। आलसी मनुष्य सीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा
आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मड़ी ठहरी हैं। जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं। युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहा, वह तुझको छुड़ाएगा। घटते बढ़ते बटखरों से यहोवा खड़ा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछपाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दामने को पहिया चलवाता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है, और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं, और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है।